आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए यहाँ पे एक हमारे समीकरण दी गई है, ठीक है, और एक समीकरण है बटा तीन, 333 एक बटा तीन का मान हमें याद करना है, ठीक है। तो इस तरह की समीकरण जो भी होती है आपको कोई ना कोई सूत्र बनेगा यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये है हमारा, ठीक है, अगर मैं ए मान लेता हूँ हमारा 8.83 और बी मान लेता हूँ मैं 16.3, ठीक है। तो ऊपर क्या बन रहा है हमारा, ए का वर्ग जमा बी का वर्ग घटा ये हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो इसी तरह से हर में क्या बनेगा हमारा, ठीक है, हर बनेगा हमारा, ठीक है, ए का घन, ठीक है, जमा बी का घन। और हम जानते हैं ए का घन जमा बी का घन का जो मान होता है हमारा ए जमा बी, ठीक है, ए का वर्ग बी का वर्ग घटा ए बी, ये हमारा मान होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खोल देता हूँ इसे, ठीक है, ऊपर तो हमारा ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस ए बी है, ठीक है, नीचे है हमारा ए जमा बी, ए का वर्ग जमा बी का वर्ग घटा ए बी, ठीक है। मैंने सूत्र को खोल दिया ए का घन बी का घन का, तो ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा एक बटा ए जमा बी, ठीक है। और इसे हमें भाग करना है, ठीक, किससे, इसे मैं क्या लिखूंगा, 3 3 9 और 10 की 0 होती हुई 1 3 3 9 और 10 की 0 होती हुई 1 3 3 9 और 10, 1000/3 थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए जमा बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 83/90 200 × 3/1000, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, 0.3 हमारा यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, तो विकल्प हमारा 4 सही उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।